तो सेल हमको पता है दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्योंकि सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है और हर एक सेल हमारी बॉडी में फंक्शन करता है तो अब टिश्यू क्या है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स तो अगर हम उन सेल्स का ग्रुप बना लें तो वो टिश्यू हो गया टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन उनका ओरिजिन कॉमन होगा उनके शेप सिमिलर होंगे और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे उनकी बात कर रहे हैं तो टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ कॉमन ओरिजिन सिमिलर शेप एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं उनका ओरिजिन सेम होगा उनके शेप सेम होंगे और वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे वो भी सेम होंगे तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज जिस ग्रुप ऑफ सेल्स में होती है उनको हम टिश्यू बोलते हैं राइट सो मल्टी सेल्यूर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू के फॉर्म में रहते हैं और सेल्स इन अ टिश्यू और ये जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो रहते हैं वो एक सीमेंटिंग सब्सटेंस उनके अंदर प्रेजेंट होता है जो उनको एक साथ रखता है उस सीमेंटिंग सब्सटेंस को मैट्रिक्स बोलते हैं और ये मैट्रिक्स ही फॉर्म करता है टिश्यू सिस्टम अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले सेल्स होंगे सेल्स जब यूनाइट करेंगे तो वो टिश्यूज बनाएंगे टिश्यूज यूनाइट होकर ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन यूनाइट होंगे और वो फॉर्म करेंगे ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब एक साथ एसोसिएट होते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं तो ये ये आपसे देख सकते हैं सीक्वेंस फॉर्म में इसकी सीक्वेंसिंग हम देख सकते हैं सेल्स सेल्स से टिश्यू बने टिश्यू से ऑर्गन बना ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन गया तो ये इस तरह से इस सीक्वेंस में ये होता है हमारी बॉडी के अंदर या फिर प्लांट की बॉडी के अंदर नाउ अब जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आप टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी एंड टिश्यूज ब्रॉडली क्लासिफाइड प्लाट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज को टिश्यूज को प्लांट टिश्यूज में और एनिमल टिश्यूज में तो हम सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज सो हियर इन द फिगर We'll see what are the things we are going to learn in case of plant tissues. So sabse pehle hum dekhenge plant tissue. Plant tissue ko do categories mein divide kiya gaya hai meristematic tissue और permanent tissue. Meristematic tissue उनको बोला जाता है जिनके अंदर जो cells होते हैं वो बहुत actively divide करते हैं और वो present होते हैं plant के growing points पे जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. दूसरा type है permanent type. Permanent type में जो cells होते हैं वो non dividing होते हैं. और उनका पर्टिकुलर शेप होता है और पर्टिकुलर फंक्शन होता है मैरिस्टेमेटिक टिश्यू को उनके लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एपिकल मैरिस्टेम इंटर कैलरी लेटरल स्टैम एपिकल मैरिस्टैम जो है वो ग्रोइंग पॉइंट्स जो प्लांट के होते हैं यानी कि टिप ऑफ स्टेम रूट और यंग लीव्स पे ये प्रेजेंट होते हैं और इंटरकलेरी जो होते हैं वो नोड्स के या लीव्स के बेस में प्रेजेंट होते हैं लेटरल मेरिस्टम लेटरल से समझ में आ रहा है कि ये कैम्बियम या कैम्बियम यानी कि लेटरली प्रेजेंट होते हैं यानी कि साइड वाइज ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ को अगेन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सपोर्टिव टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू कंडक्टिव और कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू देन कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू को अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जायलेम एन फ्लोएम तो ये सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट फर्स्ट विल सी बेस ऑन द एबिलिटी ऑफ देयर सेल्स टू डिवाइड प्लांट्स टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हम प्लांट्स के टिश्यूज़ को उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं मेरेस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज में आ, क्या डिफरेंस है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिवाइडिंग सेल है यानी कि ये बहुत ही तेजी से डिवाइड करते हैं और ये बेसिकली जो प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं या ग्रोइंग टिप होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं ये रूट और स्टेम और लीव्स के टिप पे प्रेजेंट होते हैं यंग लीव्स के टिप पे प्रेजेंट होते हैं जो कि वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और प्लांट की लेंथ को और उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं वायरस परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट एक बार जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं यानी कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जब एक बार डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं यानी परमानेंट स्टेट पे आ जाते हैं तो फिर वो दोबारा डिवाइड नहीं होते हैं तो परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर वही टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड नहीं होते जो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं वो एक पर्टिकुलर शेप को अटेन कर लेते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो विल सी क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं और ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं और मैरिस्टेम्स जो होते हैं आप ऊपर हेडिंग देखेंगे मैरिस्टमेटिक टिश्यूज़ और ब्रैकेट में लिखा हुआ मैरिस्टेम्स मैरिस्टेम्प्स क्या है मेरिस्टेम्स प्लांट बॉडी के अंदर वो जगहें हैं जहाँ पे मैरिस्टमेटिक सेल डिवाइड करते हैं नए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल को बनाने के लिए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल वो होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है जैसे ही इन सेल्स का पर्टिकुलर फंक्शन आ जाएगा वो परमानेंट की कैटेगरी में चले जाएंगे ठीक तो है पे होंगे ये प्लांट्स की जो स्टेम, रूट और ब्रांचेस है, उनकी टिप और वहीं पे ये डिवाइड होते हैं ताकि ये प्लांट की थिकनेस को और लेंथ को इंक्रीज कर सके सो so, इनका हम स्ट्रक्चर हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते कैसे हैं तो इसको देखने के लिए पहले हम इनका डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये मेरासमेटिक टिश्यू का दिया हुआ है और यू कैन सी कि ये इसके सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इनकी वॉल बहुत पतली होती है साथ ही आप देखेंगे कि ये सेल्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल पास पास अच्छे से टाइटली कंपैक्टली अरेंज हैं और इनके बीच में कोई भी जगह नहीं है यानी कि इनके अंदर कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है सेल्स के बीच की जो जगह होती है उसको इंटर सेल्युलर स्पेस बोलते हैं तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है और सेल्स के शेप जो हैं वो स्पेरिकल भी सेल हो सकता है ओवल भी हो सकता है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है तो यहाँ पे जो सेल्स हैं आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर इन शेप है देन ये जो सेल्स सेल्स होते हैं के बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है डेंस मतलब घना साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस आप देख सकते हैं न्यूक्लियस लार्ज है और सेंट्रली लोकेटेड है देन इसमें क्या होता है जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल्स जो होते हैं वो प्लांट की बॉडी में एडअप होते रहते हैं जिससे प्लांट को हाइट या वृत मिलती है न्यूली फॉर्म सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज को बनाने का ये काम करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके देखिए फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल्ड जो मैंने आपको भी बताया और भी दे आर टाइटली पैक्ड एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस सेल्स मे बी स्फेरिकल ओवल और रेक्टेंगुलर सेल्स आर विद डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस centrally लार्ज एंड सेंट्रली प्लेस्ड सेल्स कंटिन्यू new एडिंग न्यू द plant. न्यूली फॉर्म सेल्स differentiate टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ permanent tissues. तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अभी आपको डायग्राम में बताई हैं कि ये जो सेल्स ये जो मेरेस्मेटिक सेल्स हैं या फिर आप देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इनकी मेरास्टमेटिक टिश्यू हैं इनके बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होते हैं ये स्मॉल होते हैं इनकी वॉल बहुत थिन होती है इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होते हैं ये ओवल भी हो सकते हैं स्पेरिकल भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं इनका मेन फंक्शन क्या है मेरस्टेमैरिक टिश्यूज़ इंक्रीजेज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट बॉडी यानी कि ये प्लांट बॉडी की लेंथ uh, को और थिकनेस को ये इनक्रीज करने का काम करते हैं सो मे विल मूव टू नेक्स्ट दैट इज अ टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमैटिक टिश्यू जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि देर आर थ्री टाइप्स और हम उनको उनकी लोकेशन के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप्स कौन से हैं एपिकल इंटरकलरी एंड लेटरल मेरिस्टम सो फर्स्ट विल सी एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टेम टर्मिनल यानी कि टॉप या टिप ऑफ द प्लांट तो ये जहाँ भी होंगे टिप पर होंगे तो इट अकर्स एट द टिप्स ऑफ द शूट्स एंड रूट ये प्लांट की जो रूट और शूट की जो टिप्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं यू कैन सी हियर इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपको सबसे टॉप पर एपिकल मेरिस्टम का डायग्राम देखिए लेवल करा हुआ है उसके बाद सेकेंड कैटेगरी आपको दी हुई है इंटरकैलरी मैरिस्टेम और ये जो है इंटरनोट और यंग लीव के बेस में प्रेजेंट होते हैं तो ये जो डार्क बैंड्स आपको दिख रहे हैं आर द इंटर नोड्स। और बीच में जो स्मूथ बैंड दिख रहा है वो नोट्स हैं तो ये इंटर इंटरनोट के बीच बेस में ये प्रेजेंट होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम देन आप देखेंगे नीचे की तरफ बेस में देखेंगे तो कुछ वर्टिकल दिख आपको दिखाई दे रही है जहां पर लेवली लिखा हुआ है लेटरल मेरिस्टेम तो ये लेटरली ये प्रेजेंट होती है साइड

Leaf के बेस प्रेजेंट होंगी तो ये लीव को इंक्रीज करेंगी उसका हाइट को इंक्रीज करेंगी तो एग्जाम्पल इज पाइनस नाउ कम्स लेटरल ये जो मेरिस्टेम होती हैं वो प्लांट की स्टेम के लेटरल साइड uh, में प्रेजेंट होती हैं स्टेम और रूट के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं और ये डिवाइड करती हैं रेडियल डायरेक्शन में व्हाट इज रेडियस अगर आप सर्कल का हाफ अगर लेते हैं सेंटर से तो वो उसको हम रेडियस बोलते हैं तो यहाँ पे जो हम डिविजन देख रहे हैं लेटरल मेरेस्टेम का ये रेडियली डिवाइड करते हैं प्लांट की जो स्टेम है या रूट है उसकी रेडियली डायरेक्शन में ये डिवाइड करते हैं और प्लांट और को ये थिकनेस प्रोवाइड करते हैं देन इट ब्रिंक्स अबाउट एन इंक्रीज इन दिथ्थ और गर्थ तो प्लांट की जो चौड़ाई है वो इंक्रीज़ करने का काम लेटरल मेरे स्टेम का है तो ये लेटरली डिवाइड करते हैं और प्लांट की चौड़ाई को या विर्थ को ये इंक्रीज करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ वो वाले सेल्स से मिल बनते हैं जिन सेल्स की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है डिवाइड करने की या मल्टीप्लाई करने की सो सच टिश्यूज़ आर मेड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई यानी कि एक बार ये परमानेंट कैटेगरी में आ गए उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि ये परमानेंट कैटेगरी में आते ही तब हैं जब इनके अंदर डिवाइड होने की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है सेकेंड इज दी सेल्स एज्यूम डेफिनेट शेप एंड साइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन ये सेल्स क्या होते हैं एक डेफिनेट शेप इनको मिल जाती है अटेन कर लेते हैं और एक साइज भी इनको डेफिनेट मिल जाता है और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं देन परमानेंट टिश्यूज फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी यानी कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट बॉडी का लार्जर पार्ट फॉर्म करते हैं यानी कि ये लार्जर एरिया जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट प्लांट बॉडी का होता है वो परमानेंट टिश्यूज ही फॉर्म करते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिशूज़ अब परमानेंट टिशूज़ को हम तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन कौन से फंक्शन से परफॉर्म करते हैं तो इसमें हम तीन तरह के टिशूज़ देखेंगे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सपोर्टिव टिशू प्रोटेक्टिव टिशू एंड कंटेक्टिव टिशू सो फर्स्ट यू विल सी सपोर्टिव टिशू इट इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स ना सपोर्टिव टिश्यू के भी सेवरल टाइप्स हैं जिसमें से हम तीन इम्पोर्टेंट uh, जो हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट इज पेरेंट कायमा सेकेंड इज कोलन कायमा एंड थर्ड इज स्कलैरन कायमा सो फर्स्ट वी विल सी पेरेंट कायमा पेरेंट कायमा इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिविंग यानी कि जो सेल्स हैं वो लिविंग है थिन वॉल्ड उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत पतली हैं उनका शेप ओवल या पोनीगोलन है उन सेल्स का और उन सेल्स के अंदर एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है तो वी विल सी द डाइग्राम यू कैन सी हियर यहाँ पे दो फिगर्स आपको दिए हुए हैं ए एंड बी और दोनों एक ही हैं लेकिन इनमें सिर्फ डिवीजन का फर्क है फर्स्ट वाला जो है इसको हॉरिजोंटली काटा गया है दूसरे वाले को लॉन्गिट्यूब काट दिया गया है तो आप देखेंगे कि जो सेल का शेप है वो आप देख सकते हैं ओवल है और ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट ब्लू कलर इज वैक्यूल एक बड़ा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा सेंटर से हट जाता है 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 जो की पे और आप देखेंगे एक-एक बड़ा सा है so, wall आप देख सकते हैं वॉल बहुत थिन है और इनके बीच में आप देख सकते हैं स्पेसेस इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं और ये लिविंग सेल्स की कैटेगरी में आते हैं Now, विल सी द फंक्शंस ऑफ पेरेंटकाइमा फर्स्ट इज पेरेंटकाइमा फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू इन प्लान्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लान बाई कीपिंग द सेल टर्जिट ये क्या करता है ये प्लांट के अंदर ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करता है और प्लांट को सपोर्ट करता है प्लांट को कैसे सपोर्ट करता है जो उसके सेल होते हैं वो टर्जिट हो जाते हैं टर्जिट मतलब सेल के अंदर टाइटनेस आती है टाइटनेस प्रजेंट होती है जिसकी वजह से ये सपोर्टिव इन नेचर होते हैं नेक्स्ट इज इन स्टोरेज ऑर्गन्स इट स्टोर्स फूड यानी कि पेरनकाइमा सेल्स क्या करते हैं जो स्टोरेज ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर उसके अंदर ये फूड स्टोरिंग का काम करते हैं देन पेरनकाइमा सेल्स हेल्प इन वुंड हीलिंग रीजनरेशन एंड ग्राफ्टिंग यानी कि पेरनकाइमा सेल्स अगर प्लांट के अंदर कहीं वूड हो जाता है तो उसकी हीलिंग के लिए या उसकी रीजनरेशन या ग्राफ्टिंग के लिए उसमें हेल्प करते हैं अब हम देखेंगे पेरेंटकाइमा में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है बिकॉज ऑफ द दैट स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट इन इट तो पहला देखेंगे पेरेंटकाइमा सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट फॉर्म क्लोरनकाइमा यानी कि जिन पेरेंटकाइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनको क्लोरनकाइमा बोला जाता है और बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसेंसी के प्रोसेस में हेल्प करता है लीव्स को टू प्रिपेयर द फूड नेक्स्ट इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैिटीज़ आर प्रजेंट बिटवीन द पेरनकाइमा सेल्स यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनके अंदर जो पेरनकाइमा सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में बड़ी बड़ी सी एयर कैटीज़ होती हैं जिसके अंदर एयर भरी होती है और उस तरह के पेरनकाइमा सेल्स को एरनकाइमा बोला जाता है जिसके अंदर एयर कैटीज़ होती हैं और ये एरनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो प्लांट को जो एक्वेटिक प्लाट स्पेशली उनको फ्लॉट करने में हेल्प करते हैं सो so, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज पेरेंट कैमा होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स जो आपके नेक्स्ट आने वाले हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच